कड़ी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, जो कड़ी के दीवाने हैं ये वीडियो उनके लिए है। मेरे स्टाइल में ये कड़ी बनाएंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे। तो शुरू से एंड तक आप इस रेसिपी को जरूर देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल शॉप एंड चॉप। तो चलिए कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप दही, 1/3 कप बेसन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून भुना पिसा जीरा, नमक अपने हिसाब से। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैंने तकरीबन इसमें 6 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी भी ऐड हो गया है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे रख देती हूँ और इसे थोड़ी देर चलाऊंगी। 1 उबाल आने तक इसको चलाते रहना है। 1 उबाल आने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पे कर देती हूँ। तो चलिए जब तक पकोड़े बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम पालक। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और बारीक बारीक इसे मैंने काट लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, थोड़ी सी हींग, नमक अपने हिसाब से। इसमें 2 कप बेसन ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स होने के बाद मैं कड़ी भी चेक कर लेती हूँ। बीच बीच में मैं कड़ी चेक कर लूँगी। लो फ्लेम पे इसे पकने दूंगी। अब मैं इस बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसे मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि पालक बहुत सारा पानी छोड़ता है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे मिक्स करेंगे। जब भी आप ये पालक के साथ बैटर बनाएं तो उसे थोड़ा सा थिकी रखिएगा क्योंकि बाद में पालक पानी बहुत छोड़ता है। पकौड़े तलने से पहले आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सोडा। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए तो मैं कड़ी चेक कर लेती हूँ। बीच में कड़ी भी अच्छे से पक रही है, तो चलिए हम पकौड़े बनाते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, तो मैं एक एक करके इसमें पकौड़े डालूंगी। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। इन्हें मैं थोड़ा सा गोल्डन होने तक सेकूंगी। तो देखिए ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये अच्छे से सिक चुके हैं। इसी तरह से मैं और पकौड़े बना लूंगी। सारे पकोड़े बन चुके हैं। अब मैं अभी इन्हें साइड रख दूंगी और कड़ी देख लेते हैं। अब कड़ी भी बन चुकी है। अब मैं इसमें पकोड़े ऐड कर दूंगी।
और इसे 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। पकौड़े डालने से पहले आप कढ़ी की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला ही रखिएगा, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद कढ़ी अच्छी खासी थिक हो जाती है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ हरी मिर्चें कटी हुई, थोड़ा सा कटा हरा धनिया, इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए तो इसका आप शानदार सा एक तड़का तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है और उसमें ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से। ऐड करूँगी 1 टीस्पून राई के दाने और इन्हें थोड़ा चटकने दूँगी। इसके बाद 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, 12 से 15 कड़ी पत्ते, मैंने इन्हें सुखा के स्टोर करके रखा हुआ है, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, 3 से 4 लाल साबुत मिर्चें, इनको अच्छे से चला लेती हूँ, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, और इनको अच्छे से अब मैं भून लेती हूँ। इनको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब ऐड करूँगी इसमें 1 कटा हुआ टमाटर। मेरे ही तरीके से ये तड़का तैयार करिएगा। जो जो मैंने इसमें ऐड करा है आप भी ज़रूर करिएगा और अपनी कढ़ी का टेस्ट देखिएगा। अब इसमें ऐड करूंगी हींग और थोड़ा सा भून लूंगी और थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब इन सब को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कलर देने के लिए। अब ये तड़का कढ़ी में डालने के लिए रेडी है। कितना ज़बरदस्त ये तड़का बना है। तो चलिए मैं कढ़ी में ऐड करती हूँ। इसमें से क्या खुशबू आ रही है, सुपर डुपर हिट है ये कढ़ी। मेरे स्टाइल में आप ये कढ़ी ज़रूर बनाइएगा, आपकी भी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। अगर आपको मेरे कढ़ी बनाने का स्टाइल अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, बनाते रहिए। तब तक के लिए आप सबको शब्बा खैर।